नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो JBL का जो सेटअप बॉक्स आता है HD, जो कोई भी MPG4 सेटअप बॉक्स हो, JBL का हो या किसी भी कंपनी का हो, आप उसे कैसे ऑटो स्कैन और किस तरीके से कर सकते हैं ऑटो स्कैन। जैसे ऑटो स्कैन कब करना पड़ता है, हमें ऑटो स्कैन तब करना पड़ता है जैसे कि हमें चैनल का नाम कुछ और आए नीचे और चैनल कोई और सा चले, ठीक है, तब हमें ऑटो स्कैन करना पड़ता है। चैनल कोई हमारा न्यू आए या पुराना जाए तो हमें ऑटो स्कैन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब ऑटो स्कैन कैसे करते हैं आज मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये JBL का सेटअप बॉक्स है, दिखा देता हूँ कौन सा वाला है। ये इसका मॉडल नंबर है, ये देखिए, ठीक है, ये JBL का सेटअप बॉक्स है। अब इसे डिलीट कैसे करना है, अब कैसे कैसे ऑटो स्कैन करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले रिमोट में, ये इसका रिमोट है, ये देखिए इसका रिमोट है, इसमें सारे बटन देख लीजिए, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या है, मीनू का बटन दबाना होगा। ये देखिए हमने मीनू का बटन दबा दिया, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा होगा सैटेलाइट, सबसे पहले हमें क्या चैनल डिलीट करने होंगे, जो पुराने चैनल हैं हमें ऑल डिलीट करने होंगे। ये देखिए, ये ऑल डिलीट के लिए दबा दिया हमने। इनपुट पासवर्ड, ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में डालना होगा 4 0 1 2 3 4, चार डिजिट डालते ही पूछेगा यस या नो, तो आपको यस कर देना, ठीक है। यस करते ही हमारे चैनल डिलीट हो गए, ठीक है। अब आ गया हमारा सैटेलाइट लिस्ट पे, ठीक है। इस ऐप पे हमें ओके कर देना है, सैटेलाइट लिस्ट पे ओके कर दिया, ठीक है। अब हमें ऊपर लिखा हुआ 93.50, ठीक है, G-SAT 15, यानी कि G-SAT 15 हमारी फ्री वाली सैटेलाइट है, ये 93.50 की डिग्री है ये, ठीक है। ये सैटेलाइट का नाम है G-SAT 15, ठीक है। अब हमें ऑटो स्कैन कैसे करना होगा, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ नीला बटन, यहाँ लिखा हुआ देखिए स्कैन, तो नीला बटन हमें दबाना है रिमोट में, जो नीला बटन है ये देखिए रिमोट में एक बटन दिए गए हैं कलर वाले, ये जो कलर वाले बटन है तो ये नीला वाला है, तो हमें नीला बटन दबाना है। इसे दबाते ही ये देखिए ये सब लिखा हुआ आ गया, ब्लाइंड स्कैन और ये नेटवर्क सर्च, ये नो हो रहा, ये टीवी प्लस रेडियो, इसे आप जो भी चैनल लेना चाहें वो चैनल ले सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, टीवी प्लस रेडियो, तो हमें दोनों तरह के चैनल चाहिए तो हम दोनों कर सकते हैं। टीवी के चाहिए तो टीवी पर सिलेक्ट कर लो, रेडियो के चाहिए तो रेडियो पर सिलेक्ट कर लो, टीवी प्लस रेडियो करोगे तो दोनों चैनल आ जाएंगे, तो हम दोनों को ही कर लेते हैं जिससे कि हमारे दोनों चैनल आ जाएं। उससे ऊपर लिखा हुआ FTA ओनली, FTA ओनली का मतलब है यानी फ्री वाले चैनल, फ्री टू एयर ओनली, यानी फ्री वाले चैनल चाहिए या स्क्रैम्बल्ड भी, यहाँ पर नो कर दिया तो यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड चैनल भी आ जाएंगे और फ्री वाले भी, दोनों मिक्स आएंगे। स्क्रैम्बल्ड हमारे इसमें चलने के नहीं है क्योंकि वो पेड चैनल है, जैसे जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, जो भी पेड चैनल होता है पेड चैनल इसमें नहीं चलेगा, उस पर डॉलर का निशान आएगा, वो हमारे लिए बेकार रहेगा और हमारी जो चलाने जो सेटअप बॉक्स चलाने का मज़ा है वो सभी ख़राब करेगा क्योंकि बीच बीच में वो ही आएंगे। ये जो लिखा हुआ FTA ओनली, तो हमें इस पर FTA यस कर देना है, हाँ जी हमें फ्री वाली चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर ये सैटेलाइट है, ये छेड़नी नहीं है, ये भी आपको छेड़नी है, ठीक है। बस अब आपको करना क्या है, ब्लाइंड स्कैन पे, यहाँ पे भी आपको बदल सकते हैं मगर इन्हें बदलना नहीं है, फुल स्कैन बिल्कुल नहीं करना, आपको ब्लाइंड स्कैन करना है, ठीक है। ब्लाइंड स्कैन करने के बाद आप इसे सर्च पर ला कर ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी हमारा देखिए स्कैनिंग शुरू हो गई है, ऊपर सेकंड चल रही है, ठीक है, ये देखिए स्कैनिंग हमारी चल रही है। ये ऊपर जो ये चैनल हमारे टीवी के चैनल प्राप्त हो रहे हैं ये हमें, और इधर ये रेडियो के चैनल हैं, ये देखिए ये हमारे रेडियो के भी चैनल, और ये देखिए दोनों प्रकार के चैनल हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये स्कैनिंग हमारी चल रही है, स्कैन हो रहे हैं चैनल, ये देखिए टोटल हमें कितने चैनल प्राप्त हुए, ठीक है।
ये स्कैनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम इसे ओके कर देते हैं। ये देखिए हमने ये ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे चैनल चला करके देखते हैं। ये चैनल देखिए, ठीक है, ये चैनल हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहे हैं, इसमें स्क्रैम्बल का कोई चैनल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने तो आपको दिखा दिया गया आपको फ़ोटो स्कैन किस तरीके से करना है ये लिपिल का सेटअप बॉक्स। अगर फिर भी कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।